नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रभात सिंह है, टेटी मैनेजर सिंजेंटा, हेडक्वार्टर बिहार शरीफ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सिंजेंटा कृषि व्यवसाय के विश्व की अग्रणी कंपनी है। किसान भाइयों, मैं आज आपको S7002 के कटाई दिवस में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज का जो कटाई दिवस कार्यक्रम है वो हमारे किसान अशोक जी के खेत में हो रहा है, जिनका गाँव है लालबाग, तहसील है बिहार शरीफ, जिला नालंदा, मोबाइल नंबर इनका ये है। किसान भाई अशोक जी ने हमारा S7002 20/6/2021 को लगाया था, जिसकी रुपाई उन्होंने 15/7/2021 को किया था, और जो आज हम प्रदर्शनी ये कटाई दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं, आज की तारीख है 2 नवंबर 2021। आज के दिन फसल अवधि हमारी 132 दिन है, अन्य फसल अवधि भी आज के दिन 132 दिन है। चलिए किसान भाइयों, हम अपने S7002 के फसल प्रदर्शन को देखते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आज से 4 महीना पहले हम आपके गाँव में आए थे और S7002 की 3 खूबियों को बताए थे। पहली खूबी बताए थे कि ये फसल हमारे 130 से 135 दिन में कट के तैयार हो जाएगा, दूसरा भरपूर उपज, तीसरा गिरने के प्रति सहनशील। जैसा कि किसान भाइयों, हमने आपको फसल प्रदर्शनी बोर्ड पे पहले ही बताया कि हमारी फसल 132 दिन का हो गया है, तो हम अपना फसल 130 से 135 दिन में तैयार कर लेते हैं। चलिए किसान भाइयों, हम अपनी फसल की दूसरी खूबियों को बताते हैं। किसान भाई, हमारे S7002 धान की दूसरी खूबी है गिरने के प्रति सहनशील। गिरने के प्रति सहनशील होने के जो निम्न कारक है उसके बारे में हम अब बताते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये S7002 का तना है और ये अन्य का तना है। आप देख रहे होंगे कि S7002 का तना मोटा और मजबूत है, जबकि अन्य का तना पतला है। दूसरी खूबी है कि हमारा जो S7002 का तना है उसकी जो गांठें होती हैं वो काफी नजदीक होती हैं। नजदीक होने की वजह से हमारा जो पौधा होता है गिरने के प्रति सहनशील होता है, जबकि अन्य के गांठों को देखेंगे तो इनके बीच में काफी दूरी होती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं। पौधों को गिरने के प्रति सहनशील बनाने का दूसरा कारक होता है जड़। सिंजेंटा S7002 के जड़ों को आप देखेंगे कि हमारा जो जड़ है वो गहरा है, चौड़ा है, मजबूत है, जबकि अन्य का जो जड़ है वो उतना गहरा और मजबूत नहीं है, जिसके कारण वो जड़ मिट्टी को नहीं पकड़ पाता और पौधे को गिरने के प्रति सहनशील नहीं बनाता, जबकि सिंजेंटा का S7002 पौधों को गिरने के प्रति सहनशील बनाता है। चलिए किसान भाइयों, हम अपने तीसरी विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हमने S7002 की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खूबी बताई थी, भरपूर उपज। भरपूर उपज के लिए जो कारक है, पहला है प्रभावी कल्ले। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, इस धान में 8 कल्ले हैं और 8ों में सभी में बालियों की संख्या है, जबकि आप अन्य धान में देखेंगे तो कल्लों की संख्या अधिक है लेकिन बालियों की संख्या कम है। किसान भाइयों, भरपूर उपज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कारक है, दानों का वजन। किसान भाइयों, हमने S7002 के 1000 दानों का वजन किया, जिसका कुल वजन 24 ग्राम आया, जबकि जब हमने अन्य प्रजाति का 1000 दानों का वजन किया तो उनका जो वजन आया 22.5 ग्राम आया। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, S7002 की जो बाली की लंबाई और इसमें दानों की संख्या अधिक है, अन्य की बालों की लंबाई और दानों की संख्या काफी कम है। किसान भाइयों, आज जो हमने अपना कटाई किया है वो 100 वर्ग मीटर में किया है। 100 वर्ग मीटर में S7002 काटा है और 100 वर्ग मीटर में हमने अन्य की कटाई की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 100 वर्ग मीटर में सिंजेंटा S7002 का वजन आया है 81 केजी, अन्य क्या आया है 74 केजी। उपज को जब हम एकड़ में परिवर्तित करते हैं तो हमारा उपज है 32 क्विंटल, अन्य का उपज है 29 क्विंटल। किसान भाइयों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा उपज अधिक है, जिससे हमको अधिक मुनाफा होता है और हम इसको बेच पाएंगे 39,000 रुपए में, जबकि अन्य का जो उपज आया है उसके आय होगा 35,000 रुपए। किसान भाइयों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सिंजेंटा S7002 लगाने से आपको अधिक आय हो रहा है, तो आप सभी किसान भाइयों से हमारा विनम्र निवेदन है कि सिंजेंटा S7002 को लगाएं और अधिक से अधिक मुनाफा पाएं।